अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले तमाम देखने वालों को जेडाट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। इसके बाद मैंने क्लास 9 बायोलॉजी एग्ज़ाम के हवाले से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाले वीडियो से भी आपको मिल सके। चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में जितने भी जो बुक के एंड में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सॉरी शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, वो आपको ने याद करना है। इसके साथ इसके डिफरेंस भी, इसके अलावा भी मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट लेकर इसको देख सकते हैं। वन बाई वन कर लें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लें। और आपको बताता चलूँ कि जो शुरू के जो चैप्टर्स हैं इसमें से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से कर लें तो इंशाल्लाह यहाँ से कवर हो जाएगा। और इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद कर लें। बाकी जितने भी आप देख चुके हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में याद करें। और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की तरफ आएँ, तो चैप्टर नंबर 2 में भी जितने भी शॉर्ट डिफिनेशंस और डिफरेंसेस हैं वो आपने याद करना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से पिक्चर आप स्क्रीन शॉट लेकर आप इसको याद कर लें। चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में भी जितने भी जो शॉर्ट डेफिनेशंस हैं और रीजनिंग है वो आपको याद करना है। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं आप यहाँ पे देख लें और यहीं से याद करें। और इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और डिस्क्राइब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चंस आपने याद करना है ज़रूर। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 बहुत ही एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने याद करना है पूरा पूरा। जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सबसे पहले डेफिनेशंस याद करेंगे, डिफरेंसेस याद करेंगे और इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं और इंशाल्लाह यहाँ से ये याद कर लें तो यहाँ से हो जाएगा। इसको भी आप स्क्रीन शॉट ले लें। इसके बाद और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं कि डिस्क्राइब द नोट ऑन एनिमल टिश्यू, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब स्ट्राइप्स, डिफाइन मेसोमेटिक टिश्यू एंड एक्सप्लेन इट टाइप्स, डिस्क्राइब सिंपल परमानेंट टिश्यू इन डिटेल प्लांट में, डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें क्वेश्चन भी बन सकते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एग्ज़ाम के हवाले से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 में भी आपने जितने भी शॉर्ट डेफिनेशन से और डिफरेंसेस है वो आपको याद करना है। इसके अलावा कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, आप देख लें और इसी को याद कर लें। और लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से स्टेजेस ऑफ माइटोसिस और प्रोफेस 1 और इसके स्टेज आ सकते हैं, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करना है। ये हो गया चैप्टर नंबर 5। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की तरफ आए, तो चैप्टर नंबर 6 में भी जितने भी शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, रीजनिंग है, वो आपको याद करना है। और इसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो आप यहाँ से देख लें। ये भी एग्ज़ाम के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी आप देख लें।
अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में ये एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन। अभी चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 4, इन तीनों चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन याद करें, इसके अलावा जो डिफिनेशन हैं और डिफरेंसेस हैं आप याद कर लें, और बाकी जो क्वेश्चन हैं मैंने लिखे हैं यहाँ से देख लें और यहाँ से याद कर लें। और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टरों में भी, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से ज़रूर याद करें। चैप्टर नंबर एट में भी डिफरेंशंस के साथ साथ डिफरेंसेस भी और कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लें और इसके स्क्रीनशॉट भी ले लें। कुछ क्वेश्चंस यहाँ हैं और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 4, ये क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप ये चैप्टर, इसके चैप्टर के जो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप ज़रूर याद करें। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 में भी जितने भी शॉर्ट डेफिनेशंस और डिफरेंसेस हैं वो आप कर लें। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ देख सकते हैं और यहाँ से याद कर लें। ज़रूरी नहीं है कि यहीं से आ जाएं, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और रेफरेंसेस भी हैं और यहाँ देख सकते हैं, और इसमें भी आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने याद ज़रूर करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन में एक लेवलिंग ज़रूर आते हैं, इसमें जो आया हुआ है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आया हुआ है, आप इसकी भी तैयारी कर लें। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो मसल है, कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, इनकी भी तैयारी कर लें और लेवलिंग भी साथ साथ तैयारी कर लें। इंशाल्लाह अगर आप यहीं से याद कर लें तो आपको ज़रूर हेल्प मिल जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक।